Hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. Friends, इस हफ्ते की पहली फिल्म हम जो रिव्यू करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है बाप ऑफ ऑल मूवीज. ट्रस्ट मी ऑन दिस वन गाइज, दिस इज इंडियन सिनेमा एट इट्स लेजेंडरी बेस्ट. उस फिल्म का नाम है 2.0. My friends, मैं सुपर हीरो फिल्म का बहुत बड़ा फैन हूँ और जब भी मैं एक इंग्लिश फिल्म देखता था और उस फिल्म के खत्म होने के बाद मैं इंतजार करता था कि कब मिड क्रेडिट सीन आएगा, एंड क्रेडिट सीन आएगा. वेल मेरा भाई, आज जब इस फिल्म में एक एंड क्रेडिट सीन आया और वो एंड क्रेडिट सीन बाप सीन था किसी भी हॉलीवुड फिल्म को टक्कर देने के लिए, आई फेल्ट प्राउड. जब चिट्टी स्क्रीन पर आया और उस पक्षी को उसने हरा कर उसको अपने काबू में किया, जिस तरह का इफेक्ट हमें अमेरिकन सुपर हीरोज देते हैं, आज चिट्टी को देखकर, 2.0 को देखकर, 3.0 को देखकर और एक और सरप्राइज इस फिल्म में, उसको देखकर जो गर्व महसूस हुआ स्क्रीन पे. क्योंकि गाइस, एक आदमी पिछले 3 सालों से उसका खाना पीना, उसकी जिंदगी बस यही एक फिल्म थी. और आज जब उसकी मेहनत और हम जैसे लोग जिन्होंने रोबो 2.0 को आप तक पहुंचाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर दी, चाहे वो एडवांस बुकिंग दिखाना हो या फिर इसके गानों के बारे में बात करना हो, इस फिल्म के बजट स्क्रीन काउंट के बारे में बात करना हो, आज मुझे लगता है सारे लोग जो इस फिल्म के प्रमोशन से लेकर इस फिल्म के रिलीज तक इन्वॉल्व थे, आज वो सब रात को चैन की सांस लेंगे. क्योंकि गाइस, इंडिया हैज नाउ ऑफिशियली गॉट द बाप ऑफ ऑल मूवीज एंड दैट इज called as Robo 2.0 guys. चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं. My friends, इस फिल्म की कहानी बहुत सरल है. मैं आपको ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू इसमें स्पॉइलर नहीं बताऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली इसका स्पॉइलर रिव्यू आएगा मेरे भाई, जब मैंने एवेंजर्स के 3 स्पॉइलर रिव्यू किए, संजू के 3 पार्ट के स्पॉइलर रिव्यू किए, रेस 3 के किए, तो ये फिल्म को तो बनता है बॉस. एंड आई विल डू दिस ऑन दिस कमिंग संडे गाइज, इट इज अ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड. तो गाइज, फिल्म की कहानी जो है 2.0 की बहुत सिंपल है. जो आपने ट्रेलर्स में देखा है, अचानक से लोगों के जो सेलफोन रहते हैं वो उड़ना शुरू हो जाते हैं. यूजुअली एक ट्रेलर आया था, लोगों ने बोला था अरे सेलफोन उड़ रहा हवा में, यार पागल हो गए ले. गाइस, वन थिंग इज फॉर श्योर, पहली चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप 2.0 देखना चाहते हो तो आप अपनी भाषा सेलेक्ट कर लो पहले. अगर आपको हिंदी आती है, एंड आई एडवाइज यू प्लीज डोंट वेंचर इनटू द तमिल एंड तेलुगु वर्जन, हिंदी, स्टिक टू हिंदी. और अगर आप हिंदी जा रहे हैं देखने के लिए, अगर आपको 3D से एलर्जी नहीं है या फिर 3D टेक्नोलॉजी से कोई परहेज नहीं है, गो फॉर द 3D वर्जन मेरा भाई. आज सुबह से मैंने ये फिल्म 2 बार देख ली है, इसीलिए रात को इतना लेट आया हूं मैं. फर्स्ट आई सॉ दिस मूवी इन तमिल 3D. यस मेरा भाई, आई सॉ इट इन तमिल 3D. और उसके बाद शाम को मैंने इस फिल्म को PVR PXL में देखा, हिंदी 3D में. एंड जितना भी इसका एक्सपीरियंस था गाइस, जो तमिल 3D देखा मैंने वो मैंने 4D साउंड में देखा गाइस. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, एक एक मोबाइल फोन जब जाता था ना, पूरा साउंड गाइस, 3D साउंड इज लाइक था, हमारे वहां था पहले से, नीचे से साउंड आना. और गाइस, रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत की जब एंट्री होती है स्क्रीन में, बाप, इट वाज मैडनेस मैन. एक रजनीकांत ठीक है, समझ में आता है, 2 रजनीकांत, 3 रजनीकांत, 4 रजनीकांत, कम ऑन गाइस, मेरे से एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो पा रही. मुझे पता है आई एम गिविंग लिटिल स्पॉइलर्स आउट हियर, लेकिन बॉस, जो क्राउड ने तहलका दिखाया है तमिल वर्जन में, जहां पर रजनीकांत जी के एंट्री पर बहुत तालियां सीटियां बजती है, वहां पर हिंदी वर्जन में जब अक्की खिलाड़ी कुमार आता है, अक्षय कुमार हैज टेकन अवे द शो हैंड्स डाउन मेरा भाई. उसके जिंदगी का सबसे वर्सेटाइल रोल होगा, आई मीन वो सीन जब वो वशीकरण बनकर आता है और जिस तरह से अपने अंदर का एक दरिंदा और एक वैशी हवस का दरिंदा वो रिवील करता है, उसके पंख उड़ते हैं और बैकग्राउंड में EDM ट्रांस म्यूजिक बजता है, ओ मैन. और गाइस, जिसने भी सेट बनाया है, उस शहर का सेट बनाया है जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स शूट होते हैं, मेरा भाई टेक इट फ्रॉम मी. तो गाइस, सबके सेलफोन्स
चेन्नई, जो सिटी, अब चेन्नई सिटी ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन अज्यूम इट, वहां से सबके सेलफोन्स गायब होना शुरू हो जाते हैं। और गाइस जिस तरह से सेलफोन्स गायब होते हैं इनिशियली, वो सीन्स काफी कॉमेडी लगते हैं। एक और प्लस पॉइंट इस फिल्म का है, इस फिल्म में अननेसेसरी बचकाना कॉमेडी नहीं है, इस फिल्म में अननेसेसरी गाने का, इस फिल्म में गाने ही नहीं है। कैन यू बिलीव दिस, ढाई घंटा ऑफ प्योर मेहम एंटरटेनमेंट। एक गाना है पक्षियों के ऊपर, गाना है काफी सेंटिमेंटल गाना है, लेकिन वो भी स्टोरी को आगे बढ़ाता है। गाइज दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम शंकर, लेकिन जो उन्होंने डिसीजन लिया वो सही लिया, क्योंकि अगर गाने होते इस फिल्म के पेस पे रुकावट डाल देते हैं। अब गाइज जिस तरह सेलफोन गायब होते हैं लोग काफी परेशान हैं, ओके, उनकी परेशानी हमको एक कॉमेडी वे में दिखाना और उसके बाद किस तरह से उस कॉमिक क्रेसेंडो को लेके एक सीरियस लेवल पे ले चले जाना, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और गाइज जो भी लोग, चाहे वो सेलफोन टावर के मालिक लो, सेलफोन शॉप्स के मालिक लो, या फिर टेलीकॉम मिनिस्टर्स लो, उनकी किस तरह से एक व्यक्ति वाट लगा रहा है, यानी कि अक्षय कुमार, और जिस तरह से वो पंछी आके इन सब लोगों को सजा दे रहा है, और इसी के लिए जो मिनिस्टर रहते हैं इस फिल्म में, आदिल हुसैन इज अ वंडरफुल जॉब इन द मूवी, आनंद महादेवन, सुधांशु पांडे इज अ सरप्राइज इन द फिल्म, एज यू नो डैनी जो पहले पार्ट में था डॉक्टर बोहरा, उसके बेटे बने हैं सुधांशु पांडे इस फिल्म में, और उन्होंने भी उमदा काम किया। और गाइज यहां पर एंटर होते हैं वसीकरण, ऐश्वर्या राय को मजाक बना दिया इस फिल्म में। वो एक ही ड्रॉबैक लगा मुझे इस फिल्म का, ऐश्वर्या राय की आवाज भी यूज नहीं की गई। उनका जो एंगल था, जब ना हमेशा रजनीकांत सर को उनका फोन आता है, उनसे बात करती है, अननेसेसरी लगा, आई थिंक वो नहीं करना चाहता, या फिर उनको दो तीन सीन के लिए एटलीस्ट उनका मुंह दिखाना चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे रजनीकांत यानी कि वसीकरण एंटर होता है और उसको यू नो बोला जाता है, यू नो बाजू के आजू की यू नो देखकर परिस्थितियों को कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, मिलिट्री कुछ नहीं कर पा रही है, ब्रिंग इन चिट्टी। मेरा भाई चिट्टी की एंट्री फाड़ है गाइज। ऑल इन ऑल क्या होता है, क्या अक्षय कुमार के ऐसा हुआ, क्यों वो ये सब कर रहा है गाइज, वो आपको थिएटर में रोने पर मजबूर कर देगा। आप जब घर पे आओगे ना, आपका जो फोन है ना, आप फोन को जब देखोगे ना, तो आपको सिर्फ पिक्चर याद आएगी और उस पिक्चर का उद्देश्य और मकसद याद आएगा, इतना आपको बोलूंगा। ये फिल्म आपको एक ऐसी चीज सिखा कर जाएगी गाइस कि सेलफोन रेडिएशन कितने हार्मफुल है। अब गाइस इस फिल्म के प्लस पॉइंट्स पे आते हैं, बहुत सीरियस टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। यूजुअली हिंदी फिल्मों में जो सुपर हीरो का विषय रहता है वहां पर यू नो अनघड़त मनघड़त कहानियां बताती है, लेकिन गाइस यहां पर ऑरा का जो कॉन्सेप्ट है, मैं स्पॉइलर भी बताऊंगा आपको, ऑरा का कॉन्सेप्ट किस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव और किस तरह से रेडिएशन के बारे में यू नो शंकर ने इस फिल्म में जिक्र किया है कि वो किस तरह से उनको लेकर उसके यू नो यूज उपयोग से विलन को हरा सकते हैं, वो थ्योरी यहां पर बहुत अच्छे से आती है। अगर आप हिंदी जानते हो तो प्लीज हिंदी में जाइए, तमिल जानते हो तमिल में जाइए, डोंट वॉच इट इन एन अननोन लैंग्वेज। ये फिल्म आपको समझ में नहीं आएगी, फिर बोलोगे फिल्म में स्टोरी नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, अपनी भाषा सेलेक्ट करो। नंबर टू, इस फिल्म का 3D, बाप 3D मैन। जब वो सीन आता है यार गोलियों वाला रजनीकांत का, भ्यू, ओ मैन, धमाका है थिएटर में। वो पता है पहले सीन में जब मैं सुबह तमिल में देखने गया था ना, यू नो लिटरली नीचे से जब मोबाइल फोन आते हैं ना, पीछे वाले बोल रहे थे वो बो, व्हाट विजुअल्स गाइस, द 3D ऑफ दिस मूवी इज माइंड नंबिंग। और बात करें VFX की, एक भी सीन ऐसा नहीं लग रहा था कि पैची है। जितने भी लोग ट्रेलर देख के उछल रहे थे, अब उछलो मेरे भाई, अब तुम्हारे घर वाले रिश्तेदार जब फिल्म देखने जाएंगे ना, उनको बोलना ट्रेलर अच्छा नहीं था गाइस, इतना तो मैं सीख लिया हूं, ट्रेलर पे फिल्म नहीं चलती। मैं आगे जाने से आगे जो जितनी फिल्म आने वाली है उसमें ये बात का जरूर ध्यान रखूंगा। इसने ट्रेलर बहुत लोगों ने नापसंद किया, लेकिन जो फिल्म बनाया इसने एट द एंड ऑफ द डे इट्स क्रैकर। एंड नंबर फोर, सबसे बड़ी बात, रजनीकांत ने इतना कंट्रोल परफॉर्मेंस दिया। और बॉस जब चिट्टी के और पार्ट्स आते हैं, द गाय विद द रेड हेड यानी कि कुकू, उसने तो थिएटर फाड़ दिया भाई, हंसाया रुलाया मार धाड़ किया। एंड बॉस द क्लाइमैक्स ऑफ दिस मूवी, क्लाइमैक्स में पॉपकॉर्न का डब्बा लो, दिमाग रखो, ऐसा नहीं बोलूंगा दिमाग मत रखो, आज देख के लगा भाई इंडिया में एक पिक्चर कर लोगों को बोलेगा ना वी मेक सुपर हीरो मूवीज इन अमेरिका, अब 550 रुपए में बाप पिक्चर बना के गया शंकर तुम्हारे लिए। और जितने लोग इस फिल्म को ना पसंद करेंगे ना, तुम लोग जाओ रे बाबा, तुम अब देश ही छोड़ के चले जाओ, जाओ जाके देखो ना, वो तो बनाते ना अमेरिकन लोग। दिस मूवी इज मेड बाय एन इंडियन
for the Indians, and Indians will love this movie, and not only Indians, the worldwide audience will love this movie. Shankar's 2.0 is a mega blockbuster, and guys, इसमें अक्षय कुमार का भी बहुत बड़ा हाथ है. अक्षय कुमार का जो एलिमेंट आता है, एमी जैक्सन, जिस तरह से इन्होंने यूनिक फैक्टर लाती है इस फिल्म में, वाकई में चार चांद लगा देती है. ए आर रहमान का म्यूजिक कैसे भूला जा सकता है. ऑल इन ऑल ये फिल्म आपको हंसाएगी, आपको रुलाएगी, और वापस से अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो दोबारा देखने में मजबूर करेगी. मैं देता हूं रोबो 2.0 को 5/5 stars. इट इज अनबीटेबल, सीरियसली बोल रहा हूं. रेस्ट इन पीस रिकॉर्ड ब्लॉकबस्टर ऑन इट्स वे. एपिसोड पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. मैं आपको रोबो 2.0 की हर एक बात एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल, क्योंकि ये फिल्म डिटेल में रिव्यू करना बनता है मेरे भाई. दिस इज मियां अंसारी साइनिंग ऑफ. यू गोना सी मी वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन रोबो.